हाय गाइस वेलकम टू माई चैनल बायोमेट किट फॉर नीट आई एम योर मेंटर सोमोजित बोनिक तो चलिए गाइस आज स्टार्ट करते हैं और एक न्यू टॉपिक लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक जेनेटिक्स का सीरीज नहीं दिखा है ठीक है तो आप जाओ आई बटन को फटाक से दबाओ और वहाँ पर देखो जेनेटिक्स का सीरीज का लिंक दिया हुआ है ठीक है उसमें मैंने जेनेटिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया था एक प्रिंसिपल्स और प्रोसेस जो भी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस कोई भी डाउट हो तो जाओ आई बटन को प्रेस करो और उससे जेनेटिक्स के लिंक में चले जाओ ठीक है तो जेनेटिक्स के बाद बहुत सारे बच्चों लोगों ने मुझसे कहा था कि भैया प्लांट फिजियोलॉजी कैसे पढ़े प्लांट फिजियोलॉजी का वीडियो बनाओ ठीक है तो मैंने और एक वीडियो है आई बटन में आपको मिल जाएगा कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा ठीक है वहां पर मैंने बताया था प्लान फिजियोलॉजी से टोटल तुम सोचो ना टोटल कितना क्वेश्चन आएगा ट्वेल्व टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन मस्ट प्लान फिजियोलॉजी से ठीक है

एक माउस और एक कैंडल पहले लिया था कैंडल लेने के बाद जार से ढक दिया था आप सभी लोग जानते हो कैंडल तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है माउस भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो ऑक्सीजन कंज्यूम सारा माउस ने कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया कुछ ही देरों बाद माउस मर गया हो गया पृष्ठी का इसके बाद उन्होंने प्लांट दे दिया प्लांट देने के बाद क्या हुआ माउस जिंदा रहा ठीक है

देखिए आप हाइड्रिला प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से यहाँ पर नीट के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको ये जानना होगा ठीक है हाइड्रिला प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से क्या हुआ उन्होंने जाना कि जो लाइट है ना लाइट एक इंपॉर्टेंट चीज है फोटोसिंथेसिस के लिए ठीक है क्यों लाइट अगर हम लाइट दे दे तो हाइड्रीजा प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है उसके अंदर से ठीक है जो बबल्स हिसाब के बाहर आते हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ लो इसके बाद क्या हुआ था ई डब्ल्यू एंगलमैन ने किया एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने एक प्रिज्म लिया ठीक है प्रिज्म आप लोग जानते हो एक लाइट सोर्स अगर प्रिज्म के अंदर से जाए तो वो स्कैटर हो जाते हैं ठीक है स्कैटर होने से क्या हुआ उन्होंने देखा उन्होंने कौन सा प्लांट लिया था ये क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन आता है ठीक है ये देखो ये क्वेश्चन आता है क्लैडोफोरा Division के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन आएगा कौन सा प्लान लिया था क्लैडोफोरा ठीक है ये तो उन्होंने देखा था ब्लू लाइट में क्लैडोफोरा का ज्यादा ज्यादा हो रहा है मतलब ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और क्या रेड लाइट में ग्रो कर रहे हैं ठीक है थीके? उन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्सेप्ट दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग लेते हैं प्लांट वाटर से रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं ये देखो एच सी एच मतलब एल ठीक है ग्लूकोज भी तो एक एलडीहाइड है ग्लूकोज भी तो एक एलडीहाइड है तुम सोचो ना यहाँ पर यहाँ पर अगर हम ऐसे करें कि सी एच टू ओ मतलब एच सी एच ओ इसका कितना करते हैं ग्लूकोज के लिए कितना पड़ेगा सिक्स पड़ेगा ठीक है तो ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन दिया था एंगलमैन ने ठीक है और भी जूम कर दे रहा हूँ मैं ये जो है ना एलडीहाइड ये, ये अगर तुम सिक्स बैठा दो सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा सी सिक्स एच टू एल्व सिक्स तुम्हें दिखाई दे रहा है ना तो इससे ही उन्होंने डिटरमाइन किया था ये सिंपल रिएक्शन था लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल था इसके बाद क्या आया था कॉर्नेरियास ठीक है कॉर्नेरियस ने क्या किया पार्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया लिया उन्होंने क्या किया और एक कॉन्सेप्ट दिया कुछ कुछ बैक्टीरिया वाटर नहीं यूज़ करते ठीक है वाटर नहीं यूज करके सल्फर यूज़ करते हैं ठीक है एक एक का मतलब ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर यूज करने से उन्होंने उन्हें क्या मिलता है ये देखो उन्हें मिलता है सल्फर प्रेसिपिटेट होता है एल और एच टू ठीक है इसके बाद क्या हुआ इसके बाद हुआ, इसके बाद हुआ? रूलेन एंड कैन ने ठीक है एंड कैमेन ठीक है इन्होंने क्या किया था इन्होंने किया था कि यूज हैवी बट नॉन रेडियो एक्टिव स्टेबल आइसोट ऑफ ऑक्सीजन ओ मतलब इन्होंने ओ लिया था एच टू ओ का ठीक है एच टू ओ के अंदर इन्होंने ओ एटीन लिया था ठीक है ये दिखाने के लिए A ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है ना वो एच टू से ही प्रोड्यूस होता है ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एक इंपॉर्टेंट टार्म है आपको जानना पड़ेगा तो इसके इसी के साथ हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट्स वाला टॉपिक था ये खत्म हुआ ठीक है तो इसके बाद हम जा रहे हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजों में ठीक है ठीक है इसके बाद हम जाएंगे जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्या है लाइट लाइट हमारा कितना चाहिए लाइट लाइट हमें चाहिए 400 टू तो 700 नैनोमीटर के अंदर ठीक है ये देखो 400 टू 700 नैनोमीटर ठीक है इसके अंदर हमें जो लाइट है ना वो चाहिए इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं पार मतलब मतलब क्या है इसका मतलब है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ये जानना पड़ेगा फुल फॉर्म ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जानना पड़ेगा ये इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ठीक है तो इसके बाद हम जानेंगे पिगमेंट्स कौन सा टाइप का होता है और क्या क्या होता है ठीक है ये देखो पिगमेंट्स नोट करते जाओ पिगमेंट्स क्या क्या होता है पिगमेंट पहले आएंगे हम क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जेंथोफिल फिल और क्या है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स एनसीआरटी में ये चारों दिया हुआ है ये आपको जानना पड़ेगा क्योंकि एनसीआर टी एस एनसीआर टी इज और जो भी है एक होली बुक सीरियस एनसीआरटी इज होली बुक तो इसके बाद हम जानेंगे ये तो हमारा हो गया okay, थोड़ा सा फोकस कर लूँ ये तो हमारा हो गया क्लोरोफिले का स्ट्रक्चर हम लोग हमें जानना पड़ेगा क्या है सी फिफ्टी फाइव एच सेवेंटी ओ सिक्स एन फोर एम जी ठीक है क्लोरोफिल ए के अंदर ये एम्स का क्वेश्चन है ठीक है एम्स लिख दे रहा हूँ एम्स का क्वेश्चन है क्लोरोफिल का अंदर क्लोरोफिल ए के अंदर और बी के अंदर कौन कौन सा ग्रुप ग्रुप प्रेजेंट होता है ठीक है क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर क्या है सी फिफ्टी फाइव एच सेवेंटी टू ओ फाइव एन फोर एम जी ठीक है ये तो हो गया तो हमें जानना पड़ेगा कौन कौन सा ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो देखो क्लोरोफिल ए में क्या है देखो अगर हम यहाँ पर एच ठीक है यहां पर कौन सा ग्रुप है तुम सोचो सीएचओ ग्रुप है यहाँ पर ठीक है क्लोरोफिले में कौन सा ग्रुप रहता है सी एच ओ मतलब यहां पर एक डी ग्रुप रहता है ठीक है और यहां पर क्लोरोफिल बी में कौन सा ग्रुप रहता है क्लोरोफिल बी में रहता है सीएच थ्री ग्रुप ठीक है ये मतलब अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आए कि क्लोरोफिल क्लोरोफिले और क्लोरोफिल बी कैसे डिफर करता है तो तुम्हें फटाक से आंसर देना पड़ेगा सीएचओ एल डी एच ग्रुप एक जगह रहता है और बी में रहता है सीएच थ्री ग्रुप ठीक है ये इससे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जेंथविल कंटेनर्स का कोई भी नहीं चाहिए जो है ना जो स्ट्रक्चर नहीं चाहिए ठीक है बस बस एक चीज ये दोनों एक ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड फॉर्म में बाद में पढ़ोगे आप लोग ठीक है तो अभी तक अभी के लिए ये नहीं चाहिए इसके बाद हम जाएंगे क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर है ना क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है ठीक है स्ट्रक्चर को मैं टोटल डिटेल्स में नहीं कह रहा आपसे ठीक है आप लेकिन आपको जो बेसिक्स जानना पड़ेगा बेसिक्स जानना पड़ेगा वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक एम जी एटम रहता है ठीक है एम जी एटम रहता है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स लेवल के लिए ठीक है ये नॉन आयोनिक होता है ठीक है ये नॉन आयोनिक ग्रुप होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि क्वेश्चन आ जा सकते हैं ठीक totally है ये एक इंपॉर्टेंट एम्स के लिए तो एम्स के लिए टोटल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ठीक है इसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है ना इधरो एमजी नॉन आयोनिक ठीक है ये देखो आप लोग देख पा रहे हैं ना हां सब ठीक है अब देखो यहां पर क्या होगा प्रोटोपोरफाइरीन ठीक है मतलब फोर फाइन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है या इन डिटेल स्ट्रक्चर में नहीं आप ड्रॉ कर रहा जस्ट एक कॉन्सेप्ट आर्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इन डिटेल स्ट्रक्चर करने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये देखो इस तरह का एक रिंग होता है प्रेजेंट ठीक है और ये यह यहाँ पर तुम कॉन्जुगेट करके मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कॉन्जुगेट करके बॉन्ड को बैठा दो ठीक है इस तरह से इस तरह से कुछ बैठा दो तुम ठीक है ये प्रोटोबोर्फाइन रिंग यहाँ पर हो गया प्रोटोबोर्फाइन रिंग के बाद क्या होगा यहाँ से एक फाइटल चेन नीचे फाइटल चेन मतलब एक सी एच टू सी एच मतलब इस तरह का एक चेन नीचे में चला जाएगा ठीक है नीचे चला जाएगा इसे हम कहते हैं फाइटल चेन ठीक है फाइटल चेन इससे हम कहते हैं फाइटल चेन ये याद रखना पड़ेगा और यह है प्रोटोपोर्फाइन रिंग ये हो गया हमारा क्लोरोफिल एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल ए में समझो अब अब तुम समझो एक चीज और बता रहा हूं यहाँ पर सोचो तुम्हें अगर CH3 रहे उसे हम कहेंगे बी ठीक है सीएच थ्री और सी एच ओ ठीक है अगर सीएच थ्री रहे तो उसे हम कहेंगे बी अगर सीएचओ रहे उसे हम कहेंगे ठीक है ये इससे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया तो इसके बाद हम आएंगे कौन सा एंटेना क्लोरोफिल हम किसे कहते हैं एंटेना क्लोरोफिल का काम क्या है ठीक है का ही है एंटेना क्लोरोफिल्स ठीक है क्लोरोफिल्स क्या है एंटेना क्लोरोफिल्स का काम क्या है ये देखो जूम कर दे रहा हूं मैं तुम देख लो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम क्लोरोफिल टू तो क्लोरोफिल मतलब क्या है इसका इसका एक बहुत ही मतलब क्रूशियल रोल होता है ठीक है ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम क्लोरोफिल टू अब थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी स्पेलिंग में अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज सॉरी उसके लिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे टाइम में हड़बड़ी में हो जाता है गलती एंटेना क्लोरोफिल क्या होता है एंटेना क्लोरोफिल इस तरह का क्लोरोफिल होता है जो तुम जानते हो ना जा, फोटोन आता है एच न्यू करके मतलब क्या है H C by lambda. तुम तो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े हुए हो गे. तो इसके बाद ये जो क्लोरोफिल में आता है एक क्लोरोफिल तो क्या होता है वो एक एनर्जी के रूप में आता है ठीक है अगर एनर्जी के रूप में वो आए तो एक क्लोरोफिल से और एक क्लोरोफिल में जाएगा उससे और एक क्लोरोफिल में जाएगा एनर्जी तो एनर्जी है तो एनर्जी तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करता ही है जाता है एक से और एक मतलब यहाँ पर एक आया एनर्जी एक यहाँ पर आया यहां से टच करा इससे इसमें इससे इसमें इस तरह से आएगा ठीक है इसे हम कहेंगे एंटेना क्लोरोफिल काम याद रखना पड़ेगा नीट के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसके बाद हम आएंगे शील्ड पिगमेंट्स में क्लोरोफिल तो हो गया हमारा तो इसके बाद हम कौन किसमें आएंगे शील्ड पिग्मेंट्स. शील्ड पिगमेंट्स ठीक है शील्ड पिगमेंट्स शील्ड पिगमेंट्स क्या होता है शील्ड पिगमेंट्स होता है क्या करता है हमें शील्ड पिगमेंट्स तुम सोचो अगर क्लोरोफिल जो सेल्स है वो वो ऑक्सीडाइज हो जाए ठीक है अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो कैसे चलेगा अगर वही क्लोरोफिल जो सेल्स है वही ऑक्सीडाइज हो जाए तो तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा इसीलिए इसीलिए कुछ शील्ड पिगमेंट्स रहते हैं ठीक है शील्ड पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं शील्ड पिगमेंट्स को हम बोलते हैं कैरोटीनो कैरोटीनोइड्स कैरो

ठीक है ये हो गया हमारा काम इसके बाद आएंगे हम कुछ एनसीआर के ग्राफ में ग्राफ में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है ठीक है अगर आप लोग ग्राफ को फॉलो फॉलो करें करें तो ये देखो मैं कर रहा हूँ ग्राफ देखो आप ठीक है में ये दोनों ग्राफ आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये वाला ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर, करने जा रहा हूँ ठीक है ये जो ग्राफ है आपको क्वेश्चन आ सकता है ये ग्राफ उठा के दे सकते हैं बोल सकते हैं कि ये किसका ये किसका एक्सिस है ये किसका एक्सिस है ये है ठीक है ये है एब्जॉर्बन ऑफ लाइट का एक्सिस और ये क्या है ये है क्लोरोफिल जो है ना माने डिफरेंट स्पेक्ट्रम में ठीक है डिफरेंट स्पेक्ट्रम वेवलेंथ में ठीक है ये वेवलेंथ है मतलब ये दे तो आपको देखना पड़ेगा देखिए आप, आपको ब्लू वेब लेंथ में और यहाँ पर है ना यह देखो ब्लैक वाला तो क्लोरोफिल बी है रेड वेब लेंथ में ज्यादा फोटोसिथोसिस करता है ठीक है यह हमें फर्स्ट ग्राफ में दिखने को मिलता है ये देखो ठीक है ये जो ब्लैक कार्ड है ये आप एनसीआरटी को फटाक से उठा लो एनसीआरटी से भी आप देख लो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं है और यहां पर जो रेड वाला कार्ड है ना वो क्या है क्लोरोफिल ए का क्लोरोफिल ए सिर्फ और सिर्फ लिख दे रहा हूं क्लोरोफिल ए ठीक है लो लैमडा ठीक है क्लोरोफिल बी लो एंड हाई ठीक है मतलब क्लोरोफिल भी क्या करता है ये लो लेमडा में भी फोटोसिंथेसिस अच्छा करता है और हाई लेमडा में भी मतलब हाई वेवलेंथ में भी फोटोसिंथेसिस अच्छा करता है ठीक है लेकिन क्लोरोफिल सिर्फ लो लोमडा में लो वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस अच्छा करता है कैरोटीनॉइड्स ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ये ग्राफ उठा के मॉक टेस्ट में दे देते हैं ये किसका कर्व है ये कैरोटीनॉइड्स का, का है ग्रीन वाला ठीक है तो इससे हम बहुत ईजिली कह सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस का जो सिस्टम है वो दो सिस्टम है ठीक है इससे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस टू सिस्टम्स आर दे आर ठीक है there, एक सिस्टम है जो हाई वेवलेंथ को लेता है और एक सिस्टम है जो लो वेवलेंथ को लेता है और एक सिस्टम है जो हाई वेवलेंथ को लेता है ठीक है इससे तो हम ये कह गए या और यहाँ पर भी और एक ग्राफ है जहाँ पर आप लोगों को दिखने को मिलता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब ए वाला कार्व और ए जो है ना क्लोरोफिल ए का ये कार्व

फोटोसिन फोटोसिस्टम टू और टू ठीक है तो इसके बाद हम जाएंगे फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शंस होते हैं ना वो दो तरह का होता है एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन ठीक है लिख दे रहा हूं मैं हे और एक चीज दोस्तों कि ये मैंने जो मैं जो बता रहा हूं ना वो मैं एक एक लाइन एनसीआर से प्योरली उठा के और कोई आकाश के बुक से और कोई आर्यन के बुक से उठा के बता रहा हूँ ठीक है अगर आप लोग इस वाली चीज को फॉलो करते जाओ तो मैं दावा से कह सकता हूँ जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है जब मैं रिवाइज कराऊंगा वो भी तो वो क्लियरली आप लोग को समझ में आएगा ठीक है इसके बाद हम आएंगे फोटोसिंथेसिस जो दो तरह का होता है दो तरह का रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन और क्या होता है डार्क रिएक्शन ठीक है पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में ठीक है शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट है तुमको समझना पड़ेगा देखना पड़ेगा ठीक है लाइट रिएक्शन में क्या होता है ये देखो लाइट होता है मतलब इसके लिए लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है मतलब एच न्यू जरूरी है ठीक है लेकिन यहां पर नो एच न्यू नहीं लगता डार्क रिएक्शन का मतलब यह नहीं है कि रात में होता है लाइट मतलब नहीं लगता ठीक है में, कभी कभी ट्रू एंड क्वेश्चन भी आ जाता है ठीक है वाटर स्प्लिटिंग ठीक है इसके बाद आ, आते हैं कौन सा चीज में रिलीज ऑफ ओटू ठीक है रिलीज ऑफ तो यहां पर लाइट रिएक्शन में होता है और यहां पर क्या होता है ग्लूकोज प्रोडक्शन ठीक है ग्लूकोज प्रोडक्शन ये वाला जो मैं साइकिल्स पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा आपको डिटेल्स में ठीक है इसके बाद हम आएंगे क्या? में, जो, जो प्रीवियस वाले थोड़ा देर पहले जो मैंने बताया था दो फोटो सिस्टम हम लोग समझ सकते हैं इससे तो दो फोटो सिस्टम में क्या क्या होता है फोटो सिस्टम में होता है ये देखो पी एस वन मतलब फोटो सिस्टम वन और क्या होता है पी एस टू मतलब क्या होता है फोटो सिस्टम टू पी एस वन क्या क्या लेके तैयार होता है रिएक्शन सेंटर रिएक्शन सेंटर इसे हम कहते हैं पी सेवन हंड्रेड ठीक है पी सेवन हंड्रेड क्यू पी सेवन हंड्रेड इसलिए ये सेवन हंड्रेड नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है ये समझने का चीज है पी सेवन हंड्रेड का नाम क्यों होता है सेवन हंड्रेड का लाइट एब्जॉर्ब करता है पी एस टू में क्या होता है पी टू में जो होता है रिएक्शन सेंटर है ना रिएक्शन सेंटर रिएक्शन जो सेंटर होता है वो क्या होता है वो उसका होता है पी सिक्स एट्टी मतलब वो सिक्स नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है और यहां पर देख लो यहां पर और एक चीज होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ठीक है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये क्या है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वन ठीक है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये अगर तुम सोच लो यहाँ पर ये यह जो सेंटर है ना मतलब ये जो है रिएक्शन सेंटर रिएक्शन आर सी दिख रहा हूँ रिएक्शन सेंटर है इसके चारों ओर एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है ठीक है क्या करता है ये ये देखो पहले एच एच न्यू न्यू आएगा ठीक है का एक फोटोन ये फोटोन एक आया ठीक है आने के बाद ये पहले क्या करेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो क्लोरोफिल्स होता है और जो होता है उसके अंदर कुछ जंप आउट करेंगे ठीक है इससे इससे इसके अंदर ठीक है जंप जंप आउट आउट करेंगे करने से क्या होगा देखो जंप आउट करने से होगा कि ये देखो जंप आउट करने से होगा ये डायरेक्ट तो इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट ये सेंटर में नहीं जा रहे जंप आउट करने के बाद ये इससे रिएक्शन सेंटर में पहुंचेंगे ठीक है ये तुम्हें समझना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो इसके बाद हम क्या कहेंगे एल भी दो चीज को लेकर तैयार होता है ठीक है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट एल एच पी एल का फुल फॉर्म क्या होता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट ठीक है पिगमेंट और क्या होता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और यहां पर होता है ये देखो प्रोटीन कुछ प्रोटीन यहाँ पर रहते हैं जो ये जो होता है ना इसमें हेल्प करता है ठीक है इसके बाद हम आएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स टू में क्या क्या होता है इसमें भी सेम होता है एल एच पी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और प्रोटीन ठीक है yes, ये था बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर इसके बाद